We had absolutely no idea where we were standing until I did this. And we have reached exactly 6 o'clock. This is Lonar. अभी कुछ दिखने वाला नहीं है. ये जो गेट है ना, यहाँ से अंदर जाना होता है. लेक व्यू टावर वगैरह सब वहाँ पे है. अभी फ़िलहाल अपना पहला टास्क ये है कि यहाँ पे रहने के लिए कोई इंतज़ाम ढूंढना है. सर इतने रहायला का ऑप्शन आए हॉटेल वगैरह इतने. इतने ओके गावात आहेत का? मुंबई हून आलो. A few moments later. Fast forward to 11 p.m. कोणाच्या उंचीनी बनवले बघ ना. घुसलाच तो टोक डायरेक्ट. वेल द पॉइंट इज देखो तो यहाँ कौन है. कसे काय पोचला तिथे. काउंटिंग किलोमीटरचं भाग्य उजळलं. 2 साल बाद मतलब कितने प्लान. लोगों के गोवा प्लान जितने कैंसिल नहीं होते ना उतने प्लान हम लोग ने कैंसिल किए. ये मेरे साथ नेपाल आने वाला था. ये मेरे साथ केदारनाथ आने वाला था. हम लोग गुजरात जाने वाले थे साथ में. सौराष्ट्र करने वाले थे. और फाइनली फाइनली लोनार में हम साथ में हैं. वेल द पॉइंट आई वॉन्टेड टू टेल यू इज यहाँ पे लोनार में रहने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है. होटल्स आर पथेटिक. MTDC का रिसोर्ट है वो अच्छा है लेकिन बहुत कॉस्टली है. और बाकी जो है ना वो बेसिक लॉज ही बोल सकते हो उसको. इस लेवल का है लेकिन वो भी 900 रुपया 1000 रुपया उसके ऊपर ही. लोनार में आने के बाद होटल ढूंढने में बहुत तकलीफ़ हुई. फाइनली हमें एक होटल मिला है जो ठीक ठाक है. अभी कल सुबह उठ के जाना है लेक देखने के लिए. वो भी डरा के रखा है लोगों ने कि वहाँ पे नीचे 3-4 लेपर्ड्स का साइटिंग हुआ है तो शायद नीचे छोड़ नहीं रहे, नीचे जाने नहीं देते टूरिस्ट को. अभी पता नहीं कल सुबह जाएंगे तभी पता चलेगा. क्योंकि एक दो लोग बोले कि जाने देते हैं, 2-3 लोग बोले कि नहीं जाने देते. जो भी होगा कल सुबह ही पता चलेगा. और आपको आपको कल सुबह नहीं, आपको अगले 10-15 सेकंड में पता चल ही जाएगा. क्योंकि अभी मैं गुड नाइट बोलूँगा और मिलूँगा सीधा कल सुबह उठ के. गुड मॉर्निंग फ्रॉम लोनार. इट्स 21st of January 2021, 8 AM इन द मॉर्निंग एंड वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रूम्स. निकल चुके हैं अभी लेक पे जाना है लोनार क्रेटर एक्सप्लोर करने के लिए. बाय द वे ये था अपना कल का आशियाना. म्हणजे 900 रुपये दिलेत म्हणून आशियाना. बाकी त्याच्यात आशियाना म्हणण्यासारखं काही नाही आहे. 2 बादल्या गरम पाणी यायला 3 तास लागले. एनिवेज ये सारे इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस. नाउ पहले सबसे पहले कहीं ढूंढना है ब्रेकफास्ट करने की जगह. इफ यू कैन सी एवरी शटर इज क्लोज्ड. सुबह के 8 बजे कुछ भी नहीं खुला है यहाँ पे. और रात को 10 बजे खाना ढूंढने गए थे ना उस टाइम पे भी वही था, सब बंद ही दिख रहा था. एनीवेज अभी पहले ब्रेकफास्ट ढूंढते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे और सीधा लोनार क्रेटर पे मिलेंगे. यात्रीगण कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि काउंटिंग किलोमीटर्स की मराठवाड़ा यात्रा शुरू होने वाली है. Alright, finally 9:30 in the morning and we have reached here at Lonar Crater. ये व्यू पॉइंट है. ऐसे 3 वॉच टावर्स बने हुए हैं. इसके ऊपर चढ़ के पूरा क्रेटर लेक कैसे दिखता है ये मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन बाद में. अभी फर्स्ट झलक. अमेजिंग ना. लुक एट द एक्सपांस. इट्स सो ह्यूज. बाय द वे दैट्स द टेम्पल डाउन देयर. बहुत पुराना मंदिर है. ऐसे बहुत से है. वहाँ पे भी एक है, फिर वहाँ पे एक है मंदिर.
अभी हम जाने वाले हैं इस मंदिर में। बाकी सब लोग ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं, मतलब चलना चालू कर चुके हैं। आई एम द लास्ट वन एज यूजुअल, क्योंकि सब कैमरा सेटअप करो, व्लॉगिंग का पूरा ये माइक वगैरह सेटअप करो, उतने में सब हो गए गायब, कोई नहीं दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ पे दो तीन जगहों से नीचे उतर सकते हो आप। एक ये रूट है 3 नंबर के वॉच टावर के पास से, एक प्लेस है उस तरफ एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में, देयर इज अ टेम्पल, यहाँ पे उसको बोलते हैं धार बोलते हैं, वहाँ से भी नीचे उतरने का रास्ता है शायद। बाय द वे दिस ट्रेक रूट इज प्रीटी स्टीप हाँ, और स्लिपरी भी। हम स्लीपर पहन के ट्रैक करने को किसने बोला है? एक्चुअली हम उस तरफ से ही आते थे, लेकिन ये वॉच टावर के पास थे तभी हमें काका मिले। ही इज़ अ लोकल रेसिडेंट फ्रॉम हियर, लोनार के ही रहने वाले हैं। काका ने बोला चलो मेरे साथ नीचे मंदिर दिखाता हूँ आपको, तो उनके साथ चल पड़े। एक्चुअली लास्ट टाइम हम लोग यहीं से नीचे उतरे थे जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था ना, नॉट द फर्स्ट टाइम जब प्रियंका के साथ आया था, उस टाइम पे अलग जगह से उतरे थे। सेकेंड टाइम जब आया था तभी यहाँ से उतरे थे। हार्डली 5 मिनट हुए चलते हुए और ऑलमोस्ट पहुँच गए हम। आधा तो नीचे आ चुके हैं। मैनी टेम्पल्स हेयर इनसाइड द क्रेटर, मतलब ये क्रेटर जो है अराउंड 50,000 years समथिंग अगो ये बना था, जब एक मीटियर यहाँ पे आके हिट किया था उसके इम्पैक्ट से ये डिप्रेशन बना है। मतलब इट यूज़ टू बी दैट लेवल पूरा लैंड, और जब वो मीटियर आके यहाँ पे बैंग हुआ तो उसके इम्पैक्ट से ये इतना डिप्रेशन बन गया। एंड दिस डिप्रेशन इज़ अराउंड 2 किलोमीटर्स इन डायमीटर, मतलब सोचो कितना बड़ा मीटियर होगा। और उसके बाद जब भी ह्यूमन सिविलाइजेशन चालू हुआ तभी यहाँ पे अंदर क्रेटर के अंदर पानी के बैंक्स पे यहाँ पे बहुत से मंदिर बनाए गए हैं, उसमें से ये एक है कमलजा देवी टेम्पल। दिस इज ऑल्सो सेड टू बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, बट स्टिल इट्स इन परफेक्ट शेप। कंस्ट्रक्शन एकदम वैसा का वैसा है। अभी अगला टास्क चालू होने वाला है, बड़े जोश में नीचे आए उतर के। अभी वापस कहाँ जाना है बोलो भाई? पता नहीं दिखेगा कि नहीं आपको, वो वहाँ पे वॉच टावर है ना, वो वॉच टावर के नीचे अपनी बाइक्स खड़ी है। अभी यहाँ से ऐसे सीधा चढ़ के जाना है वहाँ तक। मज़ा आएगा, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। ऊपर से नीचे आने में गिन के 8 या 9 मिनट कुछ तो लगे थे, ऊपर जाने में प्रियंका ने तो चैलेंज ले लिया है कि 20 मिनट के अंदर अंदर ऊपर पहुंचेगी, और शायद हाँ काय बोल 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 20 मिनट में ऊपर पहुंचेगी बोल। वह एग्जैक्टली 11:20, मतलब
20 minutes from where we started. Look at this. Exactly 20 minutes में पहुंच गए. अभी चलते हैं वॉच टावर के ऊपर. इस वॉच टावर पे चढ़ने के बाद पता नहीं हम कितनी देर वहां पे रुके, बिकॉज दीज काइंड ऑफ व्यूज एंड व्हेन यू हैव अ ड्रोन टू फ्लाई विथ, यहां से निकलने का मन कैसे होगा. लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद हमें वहां से निकलना पड़ा, बिकॉज ऑल राइट रेडी फॉर टुडेज राइड 150 किलोमीटर यहां से औरंगाबाद. चलो लेकिन ये कहानी अगले वीडियो में देखेंगे. अभी के लिए